A very good evening to all of you. Welcome to abipedia powered by Abhimanyu ias My name is barka mirza kaise hain aap कैसे i आप सब sab acche आप सब अच्छे हैं अच्छे से रहिए healthy रहिए rahiye हेल्दी भी रहिए ड्यूरू दिस पैंडमिक सिचुएशन गोइंग अराउंड द होल वर्ल्ड आप लोगों को पता ही होगा कि ये कोरोना वायरस जो सिचुएशन है तो इसलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो ओके तो या हमारा आज का सेशन है ऑन डिमांड एंड सप्लाई आर टुडे सेशन इज ऑन डिमांड एंड सप्लाई विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए ट्वेंटी ट्वेंटी ओके इन द लास्ट सेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट नीति आयोग है ना हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था एंड एम सी क्यू वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज था उस दिन तो कोई भी आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ है या कोई क्वेरी है आपको क्वेश्चंस को लेके या कुछ प्रॉब्लम uh, है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दी सोल्यूशन प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन कीजिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी ओके चलिए आज का हमारा सेशन है ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड आई आल्सो डिस्कस सम ऑफ़ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन डिमांड एंड सप्लाई ठीक है पहले देखते हैं हम वॉट इज डिमांड डिमांड एक्चुअली क्या है डिमांड इन हिंदी हम बोल सकते हैं किसी चीज की मांग करना है ना किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मांग करना मेनली फॉर द कंज्यूमर्स और कस्टमर्स इन दी मार्केट है ना डिमांड हम उसको बोलते हैं बेसिकली uh, आपको बोल देती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड मेनली रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज at various prices during a given period of time we call it as demand law of demand for an example main bata deti hu ki agar market mein kisi bhi product ki price agar kam hai to automatically demand badhegi For an example अगर मेरे पास ये pen है okay? ये ट्वेंटी rupees की pen है and और एक pen है जो कि है फिफ्टी rupees की तो जो कस्टमर्स है जो अवेलेबल कस्टमर्स है कंज्यूमर्स है तो वो किसको प्रेफर करेंगे ट्वेंटी रुपीज वाली पेन को ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिफ्टी रुपीज वाली, वाली पेन को प्रेफर करेंगे ना तो जिस चीज जिस प्रोडक्ट एंड सर्विस की प्राइस कम होती है एंड डिमांड उसकी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड ओके वी कैन से दैट देर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वानिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस ठीक है ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या हो गया लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो गया जो हमारी मांग को पूरा करते हैं मेनली द सेलर्स इन द मार्केट डिमांड क्या हो गया द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड सप्लाई क्या हो गया द सेलर्स इन द मार्केट ओके सेलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉ ऑफ सप्लाई जो हमारी मांग को पूरा करते हैं मैं बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स वी कॉल्ड इट एज सप्लाई है ना जब जबी मार्केट में अगर प्राइस जिस चीज जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस अगर इंक्रीज होती है बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी इंक्रीज होगी क्योंकि जो सप्लायर्स है जो सेलर्स है जो प्रोड्यूसर्स है जो सेलर्स है वो क्या चाहते हैं कि हाउ टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट है ना तो वो क्या करते हैं जो महंगी जो चीज़ें हैं जिसकी प्राइस है ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करने की कोशिश करते हैं इन दी मार्केट में वो क्या हम बोल देते हैं लॉ ऑफ सप्लाई मतलब मतलब हम बोल सकते हैं उसको सीधा साधा मतलब प्राइस क्वांटिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी एंड प्राइस में देर इज ऑलवेज एन अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स प्राइस ओके प्राइस अगर बढ़ रही है तो लॉ ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगी सीधा साधा रिलेशन है ओके okay? तो चलिए आज हम सम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में ठीक है सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दी बता देती हूँ कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट पे 25 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज है ना वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स ऑल फूड और फुल कोर्स तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है या फिर अपॉर्चुनिटी है टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी एंड आपको पर अगर कोई अगर हमारा अभी एम सी क्यू सीरीज चल रहा है ना तो अगर आपको एम सी क्यू सीरीज अगर आपको टॉपिक थियोरी चाहिए तो थियोरी भी अवेलेबल है हमारे पेड कोर्सेज पे तो ऑल यू नीड टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए रिव्यू कीजिए हमारे पोर्टल को रिव्यू कीजिए आपको वहाँ पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगा एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी है तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड वहाँ पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ऐसे क्या होगा आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको कि कौन सी लेक्चर कब होने वाली है ओके एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल प्रेस द बेल आइकन वेनेवर वी विल हैव अ लेक्चर यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके ज़्यादा जितने ज़्यादा बच्चे आते हैं जुड़ते हैं हमसे उतना पढ़ाने में क्वालिटी वाइज सर्विसेज प्रोवाइड करने में और अच्छा लगता है इंकरेजमेंट मिलती है हमें ओके तो चलो लेट्स बिगिन आर सेशन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे या द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेज ए इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड बी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इट्स प्राइस सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड वन मिनट ओके या इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ओवर ऑवर दबस्टिट्यूट और इट्स डी नन ऑफ दीज लॉ ऑफ सप्लाई क्या एक्सप्रेस करती है अभी हमने पढ़ा है ना क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्राइजेस अगर डिक्रीज होती है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होगा उसका आंसर चलिए मैं बताती हूं द करेक्ट ऑप्शन इज ए इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड प्राइसेस चेंज होती है बट फिर भी विलिंगनेस जो है प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर्स क्या करते हैं प्राइसेस चेंज होती है बट फिर भी डिमांड रहता है ओके लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज प्राइजेस जूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी चीज की किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हुई तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी है ना प्राइस के ऊपर डिमांड देखा जाता है है ना सेकेंड क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इट्स प्राइस डिमांड ऑन इट्स प्राइस क्या हो गया जब प्राइस इंक्रीज होगी प्राइस किसी चीज की इंक्रीज होगी तो डिमांड तो डिक्रीज होगी है ना तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं एक्सप्रेस नहीं करता ठीक है सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ओवर सप्लाई ऑफ सब्सटीट्यूट सब्ट्यूट गुड्स क्या होगा विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अदर्स यूज इन प्लेस ऑफ अदर्स तो ये भी नहीं है एंड नन ऑफ दीज नहीं तो द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन दैट कैन नेवर चेंजेस बी चेंजेस ओनली इफ सम आउटसाइड फैक्टर चेंजेस सी चेंजेस ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस और डी चेंजेस ओनली इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस क्या होगा इक्विलिब्रियम क्या है इक्विलिब्रियम आपको पता है ना व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई कभी भी इन दोनों में से कोई भी फैक्टर में अगर चेंजेस आएगी ऊपर नीचे होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी चेंजेस आएंगे ओके okay? तो व्हाट विल बी द आंसर चेंज नेवर चेंजेस और बी चेंज ओनली इफ सम आउटसाइड फैक्टर चेंजेस और सी चेंजेस ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस और डी चेंजेस ओनली इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस चलिए देखते हैं नेवर चेंजेस तो होगा नहीं क्योंकि डिमांड या सप्लाई में कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी तो चेंजेस तो आएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेंजेस आएंगी ओके सो ए विल नॉट बी द ऑप्शन बी क्या है चेंजेस ओनली इफ सम आउटसाइड फैक्टर्स चेंजेस आउटसाइड फैक्टर्स रिलेट्स नहीं equilibrium, जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन वो आउटसाइड फैक्टर्स से रिलेट नहीं करती है तो ये भी नहीं होगा सी क्या है चेंजेस ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस इक्विलिब्रियम कंडीशन रिलेट्स टू दी इंटरनल फैक्टर्स प्राइस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ये मेनली किस पे रिलेट करती है इनकम पे है ना तो इंटरनल फैक्टर्स पे इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट कैन बी चेंजेस ओनली इफ सम इंटरनल फैक्टर चेंजेस ओके सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस भी नहीं होगा ओके okay? डोंट गेट कंफ्यूज कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन कीजिए मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में कीजिए आई डेफिनेटली कन्वेट यूर क्वेश्चन मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज वेदर इट्स एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड बी इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड सी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई और इट्स डी इनक्रीज ऑफ सप्लाई क्या होगा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व मूवमेंट Price increase, demand decrease, or price decrease, demand increase. Movement in, in the demand curve. Kya hoga? Whether it's extension and contraction, B, increase and decrease, C, contraction of supply, or it's the increase of supply. चलिए देखते हैं पहला क्या है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स क्या हो गया एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है प्राइस जो है वो वो प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है एंड डिमांड इंक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है प्राइस इंक्रीज होती है एंड डिमांड डिक्रीज़ होती है ओके okay? सेकेंड देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड मिनट इसमें इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में क्या होता है प्राइस जो है वो वन एंड ऑल सेम जैसा जो है प्राइस वही रहती है बट इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है इनकम पे तो ये क्या हो गया हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड ओके प्राइस सेम रहती है बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं जो है सेम है बट इसका इफेक्ट इनकम पे पड़ता है सी क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होती है वन मिनट कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है जब भी हमारी सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगी ये इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वन मिनट ओके एंड इंक्रीज ऑफ सप्लाई में क्या होगा इंक्रीज ऑफ सप्लाई में क्या होगा हमारी जो इन सप्लाई कब इंक्रीज होती है जब डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता है और उसकी वजह से प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो भी सप्लाई इंक्रीज होगी तो यहां पे क्या होता है प्राइस इंक्रीज होने पे वन मिनट प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई भी इंक्रीज होगी So, uh, answer. Okay. Uh, movement along the same demand curve is known as the first question that is extension and contraction of demand. Okay? This one. This one is the correct option. Movement along the same demand curve is known as. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रक्शन ऑफ डिमांड मूवमेंट हो रही है ना प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिमांड डिक्रीज हो रही है प्राइस डिक्रीज हो रही है डिमांड इक्रीज हो रही है मूवमेंट रही है ना डिमांड कव में तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन एंड कंट्रेक्शन ऑफ डिमांड ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे या वेन देर इज अ चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अफ्ट ऑफ डिमांड कव टू द राइट एट द सेम प्राइस एज बिफोर द क्वानिटी डिमांड इन विड वेदर इट्स इन डिक्रीज और बी इंक्रीज सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और इट्स डी कॉन्ट्रेक्ट रीड आउट दरफुली ओके ट्राई टू सॉल्व इट आउट कोई भी क्वेरी uh, है आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछिए और आंसर प्रोवाइड कीजिए नहीं भी आ रहा है आप आंसर मुझे प्रोवाइड कीजिए मैं आप सॉरी रिप्लाई कीजिए मतलब ऑप्शन में आंसर प्रोवाइड कीजिए मैं आपको सही होगा गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता बट आप आंसर दो क्या पूछा गया वेन देर इज अ चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट होगा ओके शिफ्ट और डिमांड कव टू द राइट एट द सेम प्राइस the quantity demand will decrease or increase or remain same or contracts चलिए देखते हैं decrease में क्या हो जाता है जो डिमांड कर्व है डिमांड कर्व है वो लेफ्ट में जाती है ओके okay? increase में क्या होता है जो डिमांड कर्व है जो डिमांड कर्व है वो राइट right में जाती है ओके okay? तो आपको क्या पूछा गया है वेन देर इज चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू दी राइट एट द सेम प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल इंक्रीज द करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ओके रिमेन सेम नहीं होगी एंड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगी सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी बी ओके Right in the demand, right at the same price as before, the quantity demand will increase. The next pe. The income elasticity of demand being greater than one, the commodity must be whether it's a necessity, b luxury, c an inferior goods, or it's d none of these. क्या क्या होगा क्या पूछा गया है आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना अगर इनकम में चेंजेस आएंगी वन मिनट या अगर इनकम में चेंजेस आएगी वेदर इट्स इंक्रीज और डिक्रीज तो इसका इफेक्ट डिमांड पे भी तो जाएगा ना है ना तो हम क्या बोल सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम है ना तो डिमांड बीइंग ग्रेटर देन वन द कमोडिटी मस्ट बी क्या होना चाहिए नेसेसिटी लग्जरी एंड इन्फीरियर गुड्स और नन ऑफ दीज चलिए हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है नेसेसिटी है फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता दूँ नेसेसिटी क्या है हमारी बेसिक नेसेसिटी फॉर एन एग्जाम्पल अगर मेरा सैलरी फिफ्टी थाउजेंड है ओके okay? मेरा सैलरी फिफ्टी थाउजेंड है तो फिफ्टी थाउजेंड अगर मेरा सैलरी है तो उसमें मैं लिमिटेड जैसे कि मैं रोज़ एक प्लेट खाना खाती हूँ एक प्लेट तो नहीं खाती हूँ कम ही खाती हूँ बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ नेसेसिटी हमारा कि अगर फिफ्टी थाउजेंड में मेरा वन लैक था मैं अगर खाना सॉरी फिफ्टी थाउजेंड में वन प्लेट खाना खाती हूँ ओके okay? अगर मेरा सैलरी इंक्रीज हो जाता है बाई फाइव परसेंट और टेन परसेंट दैट इज कि अगर वन लैख बढ़ के वन लैक हो जाता है मेरा सैलरी तो क्या मैं दो प्लेट चावल खाऊंगी नहीं एक ही प्लेट खाऊंगी सैलरी भल, भले ही बढ़ चुका है बट खाना तो वही खाऊंगी दैट इज बेसिक नेसेसिटी तो ये क्या हो गया नहीं ओके okay? लग्जरी क्या हो गया हमारा लग्जरी गुड अगर हमारा सैलरी फिफ्टी था और फिफ्टी से वन लैख हुआ है तो हमारा जो डिजायर है वो तो बढ़ेगा लग्जरियस गुड्स मतलब अगर सैलरी बढ़ा है हम लोग को पता है कि हाँ सैलरी बढ़ी है तो उसी हिसाब से हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है तो जितने तेजी से सैलरी बढ़ी है उतने तेजी से वो गुड्स भी बढ़ जाते हैं उसके कॉस्ट भी प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं जितने तेजी से सैलरी अग, अगर बढ़ती है तो डिज़ायर्स भी वैसे तेजी से बढ़ता है तो हमारा क्वेश्चन क्या किया बोला गया था द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बींग ग्रेटर देन वन इसमें ग्रेटर देन वन मीन्स क्या हो गया डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है है ना और इनका डिमांड इंक्रीज हो जाती है एज कंपैरिजन टू इनकम कंपैरिजन टू इनकम है ना तो वो क्या हो गया हमारा लग्जूरियस गुड्स तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा बी लग्जूरियस गुड्स पे हम लोग ज्यादा अगर सैलरी बढ़ती है तो हमारा ऑप्शन थोड़ा ऊपर जाता है और ज्यादा से ज्यादा महंगाई की तरफ जाता है, है ना इंफीरियर गुड्स क्या हो गया इनफीरियर गुड्स क्या हो गया जिसकी डिमांड डिक्रीज है डिमांड डिक्रीज होती है एंड इनकम इंक्रीज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स एंड डी नन ऑफ दिस सो द दिस वाल दिस विल दिस विल ऑल्सो बी नॉट द आंसर नन ऑफ दिस भी नहीं है तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी लग्जीरियस गुड्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे या, इफ द प्राइस ऑफ एन इनफीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड वेदर इट्स ए राइजेस बी फॉल्स फ़ॉल, सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और डी कैन बी एनी ऑफ द अबव क्या होगा इन्फीरियर गुड फॉल्स इन्फीरियर गुड्स मैं आपको बता चुकी हूं इन्फीरियर गुड्स या डिमांड डिक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होती है एंड डिमांड इंक्रीज होती है तो इनकम डिक्रीज होती है ये क्या हो गया हमारा इन्फीरियर गुड्स तो क्या होगा इट्स डिमांड राइज होगा या फॉल होगा या रिमेन कॉन्स्टेंट होगा या कैन बी एनी ऑफ दी अबव चलिए मैं बता दूं द करेक्ट ऑप्शन इज ए राइजेस इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड राइसेज लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करती है लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट करती है ना प्राइस डिक्रीजेज प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इनक्रीजेज है ना चलिए नेक्स्ट वन क्या इन लॉ ऑफ डिमांड द फ्रेज अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट मीन्स

चलिए देखते हैं पहला क्या है इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज मीन क्या हो गया प्राइस जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो बदल रही है other things remains, other thing remains, constant. B क्या है अदर अदर थिंग्स रिमेन्स रिमेन्स थिंग बी क्या प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज मतलब जो डिजायर्स है जो अपना डिजायर है प्रोडक्ट की प्राइजे नहीं बदल रही है बाकी अदर थिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट प्राइजेस ऑफ द गुड शुड नॉट

ओके? प्लीज सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके प्लीज चलिए सी वाटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक एज ग्रिफ़न गुड्स बी इंफीरियर गुड्स सी फ्री गुड्स और इट्स डी नॉर्मल गुड्स फ्रेश वाटर, सी एयर मीन्स क्या हो गया अनलिमिटेड जिसकी सप्लाई है अनलिमिटेड सप्लाई जिसकी है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके क्या होगा ग्रिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स फ्री गुड्स और डी नॉर्मल गुड्स डोंट गेट कंफ्यूज आप कुछ हो लग रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस में कुछ uh, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को तो चलिए देखते हैं सी वाटर फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज फ्री गुड्स करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्री गुड्स अनलिमिटेड सप्लाई है मार्केट में है कि नहीं है हवा पानी का कुछ लग रहा है क्या आपको पैसा नहीं लग रहा है ना तो इन इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज फ्री गुड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके डिफरेंट गुड्स क्या हो गया ये तो एक एक्सेप्शनल है लॉ ऑफ डिमांड के ये ये क्या एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड भी इंक्रीज होता है एंड प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है ओके इंफीरियर गुड्स इंफीरियर गुड्स में क्या होता है इनकम in इंक्रीज है ना एंड डिमांड डिक्रीज डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है एंड नॉर्मल गुड्स में क्या होता है इनकम इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज सो द सी वाटर एंड फ्रेश एयर आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज द फ्री गुड्स दैट इज अनलिमिटेड सप्लाई इन द मार्केट ओके चलिए नेक्स्ट वन एंजल्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस सब्सिट्यूट सी क्वानिटी डिमांडेड एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इट डी क्वान्टिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंजिल्स लॉ एंजल्स लॉ पूछा गया है एंजिल्स लॉ पर मैं आपको बताती हूं क्या है अगर आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो रही है अगर आपकी सैलरी या इनकम इंक्रीज हुई है तो जो पोर्शन आप स्पेंड कर रहे हो ऑन फूड पे खाने पीने पे जो स्पेंड पोर्शन स्पेंड कर रहे हो आप फूड्स पे तो वो क्या हो जाता है वो पोर्शन में डिक्रीज आ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एंजल्स लॉ समझ में आया इनकम इंक्रीज होने पर जो स्पेंड हम लोग खाने पीने पे करते हैं जो स्पेंड करते हैं स्पेंडिंग करते हैं वो डिक्रीज हो जाती है एंजल्स लॉ तो ये रिलेशन मीन्स एंजल्स लॉ ये है एक्चुअली तो ये रिलेशनशिप क्या बताती है वेदर इट्स ए क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस सब्सिट्यूट और सी क्वांटिटी डिमांडेड एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और इट्स डी क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स अच्छे से रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली एकदम आपको जवाब आएगा ठीक है अभी जस्ट मैं आपको बताई एंजल्स एक एक्चुअली है क्या तो उस हिसाब से आप प्लीज मुझे आंसर दीजिए यू शुड नो दिस आंसर चलिए देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं क्वान्टिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुज दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अदर्स नो क्वान्टिटी डिमांडेड एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर टेस्ट डिजाइन एंड प्रीफरेंसेज नो क्वान्टिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स येस डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंजल्स लॉ क्या डिस्क्राइब करती है जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज होती है बट द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड फूडी आइटम्स शुड बी डिक्रीज ओके तो ये क्या है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंजल्स लॉ ओके चलिए नेक्स्ट वन द डिमांड फॉर गुड इज अपवर्ड राइजिंग बी डाउनवर्ड फॉल डाउनवर्ड फॉलिंग सी पैर टू क्वांटिटी और इट्स डी पैरल टू द इज एक्सिस डिमांड फॉर गुड्स डिमांड कब हम देख ये क्या है हमारा डिमांड कब ये प्राइस है ये क्वांटिटी डिमांडेड है ओके ये पी वन है ये डी वन है ओके okay? एंड ये क्या है पी टू है एंड ये डी टू है तो हमारा ग्रिफिन गुड्स डिमांड कब क्या होता है ये राइज हो रहा है, है ना ये क्या है तो ये क्या है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है ना बट ग्रिफिन गुड्स का क्या क्या बोला गया वेदर इट्स ए अपवर्ड राइजिंग और बी डाउनवर्ड्स इट्स पैरल क्वान्टिटी या फिर पैरल टू दी प्राइस एक्सिस तो इसमें क्या होता है जो ये प्राइज है पी वन जो है ये क्या होती है डिक्रीज होती है पी वन जो है वो डिक्रीज होती है डी वन भी डिक्रीज होती है मीन्स पीछे जाती है ओके ओके तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन चलिए मैं आपको बता दू द डिमांड फॉर गुड्स इज अपवर्ड राइजिंग दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन डाउनवर्ड फॉलोइ नहीं होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है अपवर्ड स्लोपिंग मैं आपको ड्राइंग में भी बता चुकी हूं पैरल टू द्वानिटी नहीं पैरल टू दी प्राइज एक्सेस नो ओके अपवर्ड राइजिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट वन या

लग्जरियस गुड्स आपको पता है ना क्या है महंगी चीजें तो जो महंगी से भी महंगी चीजें जैसे कि हम डायमंड जिसको बोल सकते हैं एक्सपेंसिव कार्स बोल सकते हैं एक्सपेंसिव कार्स वॉचेस ये सारे हो गए है ना एक्सपेंसिव गुड्स क्या हो गया जो महंगी चीजें हैं मतलब नॉर्मल जो महंगी चीजें हो, होती है जैसे कि ज्वेलरी हो गई हमारी गोल्ड ज्वेलरीज हो गई है ना क्लोदिंग हो गया हमारा ठीक है फूडी आइटम्स भी हो गए टी कॉफी एक्सेट्रा ठीक है कैपिटल गुड्स क्या हो गया कैपिटल गुड्स मेनली हम बोल सकते हैं मशीनरीज मशीनरीज बिल्डिंग्स टूल्स है ना जो चीज मैन्युफैक्चरिंग आइटम प्रोडक्शन के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स महंगी आइटम बड़ी बड़ी जो मशीनें यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल गुड्स है ना एंड इकोनॉमिक गुड्स क्या होती है जो सोसाइटीज के लिए होते हैं मेनली बोथ फॉर पब्लिक एज वेल एज फॉर प्राइवेट इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स ओके जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गया हमारा ट्रैफिक लाइट्स हो गया तो ये सब क्या हो गया हमारा पब्लिक और एज वेल एज प्राइवेट तो ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्केयर्स एंड लिमिटेड इन द सप्लाई आर कॉल्ड ऑप्शन डी इकोनॉमिक गुड्स दैट इज बोथ फॉर पब्लिक एज वेल एज फॉर प्राइवेट ओके जो कि लिमिटेड रहती है एंड है स्केयर रहती है ठीक है चलिए नेक्स्ट वन

प्रोडक्शन के टाइम पे जो यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग के आइटम पे यूज होती है जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी टूल्स ये क्या हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स गुड्स है ना और प्रोड्यूसर्स जो मेनली हम लोग मार्केट में भी रोज का जो फूड क्लोदिंग के लिए ज्वेलरीज जो है खाने का आइटम्स जो भी है ये भी क्या हो गया प्रोड्यूसर्स गुड्स है ना एंड कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया हमारा गुड्स ब्रॉट एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स जो हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से और हम ही लोग यूज करते हैं गुड्स गुड्स ब्रॉड बाई कंज्यूमर्स ब्रॉड एंड यूज बाई कंज्यूमर्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंज्यूमर गुड तो रेफ्रिजिरेटर ऑपरेटिंग इन केमिस्ट शॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा द करेक्ट ऑप्शन विल बी फाइनल गुड्स है ना कंज्यूम्ड बाई दिल्ली कंज्यूम बाई दंज्यूमर इज कॉल्ड फाइनल गुड्स केमिस्ट शॉप का रेफ्रिजिरेटर ऑपरेटिंग ओके चलिए नेक्स्ट वन कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछिए कमेंट कीजिए या टेक्स्ट कीजिए मैं आपको कन्वे करूंगी सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूँगी ठीक है एंड प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन वेदर इट्स ए डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू बी एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू सी नो चेंजेस इन द टोटल रेवेन्यू और इट्स डी ए और इट्स डी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड रीड आउट द क्वेश्चन कैरफुल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट क्या पूछा गया है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन इलास्टिक क्या हो गया

इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक कब बोला जाता है जब हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो रहती है नो मैटर प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीज in होना इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू वेन डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन द प्राइज क्या पूछा गया है एंड इंक्रीज इन द प्राइस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू ओके डोंट गेट कंफ्यूज ठीक है चलिए नेक्स्ट वन

टी एंड शुगर और बी टी एंड कॉफी और सी पेन एंड इंक और इट्स डी शर्ट एंड ट्राउजर चलिए देख लेते हैं टी एंड शुगर अगर आप चाय पी रहे हो तो उसमें चाय की पत्ती रहेगी और शुगर नहीं रहेगी चीनी नहीं रहेगी तो चलेगा आपको चाय एक के बगैर एक यूज हो सकता है क्या नहीं टी एंड कॉफी हाँ ये हो सकता है टी एंड कॉफी अगर आपको चाय पीनी है तो नॉर्मली चाय पियो या फिर कॉफी पीनी है तो नॉर्मल कॉफी पियो कॉफी जब मिला रहे हो तो उसमें चाय पत्ती डालते हो क्या नहीं तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो गया विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अदर द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी टी एंड कॉफी ओके दिस इज द करेक्ट ऑप्शन पेन एंड इंक पेन के बिना इंक इंक के बिना आप पेन यूज कर सकते हो पेन चलेगी ही नहीं है ना तो ये भी सब्सिट्यूट गुड्स नहीं है डी क्या है शर्ट एंड ट्राउजर या फिर शर्ट आप पहन लियो बट नीचे ट्राउजर पहनो या जीन्स पहनो या पैंट पहनो कुछ भी पहनो कुछ तो पहनना है उसके बदले में और कुछ पहन सकते हो क्या नहीं तो ये भी नहीं होगा तो द करेक्ट ऑप्शन इज टी एंड कॉफी ओके चलिए नेक्स्ट वन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम वेंस मार्जिनल यूटिलिटीज जीरो, मार्जिनल यूटिलिटीज इट्स हाइस्ट पॉइंट सी मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल टू एवरेज और इट्स डी एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी पूछा गया है टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटलफैक्शन बोल सकते हैं हम टोटल सैटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस ऑफ दी प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स है ना कब मिलती है मैक्सिमम जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इज एट पॉइंट और मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज और इट्स एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी पता है ना आपको क्या है मार्जिनल यूटिलिटी मींस चेंज इन दूटिलिटी चेंज इन दूटिलिटी

करेक्ट ऑप्शन इज ए ही बोलेंगे ना वैन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम एन इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग को टोटल सेटिस्फैक्शन कब मिलती है जब हमारी मार्जिन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है उससे ऊपर आगे और कुछ नहीं होता है ओके मार्जिनल यूटिलिटी एट इज हाइस पॉइंट नहीं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज नहीं एवरेज एवरेज यूटिलिटी इज मैक्सिमम नो मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो रहती है तभी हम लोग को टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है है ना चलिए नेक्स्ट वन

चलिए मैं आपको बता दूं एंड इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज सप्लाई मींस क्या हो गया इंक्रीज इन सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सॉरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर जो एजेंट्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं जब इंक्रीज जब प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी है ना तो जो सेलर्स है जो प्रोड्यूसर्स है और या फिर जो एजेंट्स है वो क्या करते हैं जो महंगी से महंगी जो चीजें जो प्रोडक्ट्स है जो सर्विसेज है उसको कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करने की टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है एंड इंक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज कॉस्ड बाई इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी भी है न्यू न्यू अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजेज आइडियाज मिलने पर इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए है ना बी क्या है फॉल इन प्राइजेज ऑफ अदर कमोडिटीज प्राइजेज ऑफ अदर कमोडिटीज भी होनी चाहिए सी फॉल इन प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल इन प्राइज पायर प्राइज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया अपना लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेनियर है ना ये क्या हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इसमें भी क्या होना चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए इन द फॉल हो जाने चाहिए प्राइजेज में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दी डी ऑल ऑफ द अबव ठीक है एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज ऑल ऑफ दी ओके चलिए नेक्स्ट वन पे या अकॉर्डिंग टू जोसेफ जो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर वेदर इट्स ए इनोवेशन बी अनसर्टेनिटी बेयरिंग सी रिस्क टेकिंग और इट्स डी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्कम्पीटर के हिसाब से प्रॉफिट हम लोग किसको बोलेंगे प्रॉफिट किससे कंपैरिजन रिवॉर्ड किसको देंगे हम लोग इनोवेशन या अनसर्टिनिटी बेयरिंग और रिस्क टेकिंग और इट्स डी मैनेजमेंट इनोवेशन हम किसको बोलते हैं अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गया ना न्यू न्यू आइडियाज टेक्नोलॉजीज है ना आइडियाज एडवाइजेज क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम बोल सकते हैं इनोवेशन है ना बी क्या हो गया हमारा अनसर्टेनिटी बियरिंग ये मेनली फॉर द इंटरप्रेनियर्स के लिए इंटरप्रेनियस ऑफ द बिजनेस है ना उन लोग के अंदर क्या होता है कि एक फैक्टर रहता है जो अनसर्टेनिटी बेयरिंग मतलब जो चीज उसकी नहीं है है ना मतलब उन्होंने मान लो स्पेंड किया कुछ टेन लाख रुपीज ठीक है अब पता नहीं है उन्होंने मतलब क्रेडिट पे लिया है टेन लाख रुपीज अब उन लोग को पता मतलब है कि हम दे देंगे बट एक फैक्टर होता है रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है उनके अंदर है ना जो अनसर्टिनिटी बेयरिंग मतलब नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हां देंगे वो बेयर करते हैं प्रोवाइड करेंगे ओके तो ये क्या हो गया हमारा अनसर्टेनिटी बेयरिंग रिस्क टेकिंग इंटरपेनियर्स का ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है रिस्क टेकिंग अगर 20 लाख स्पेंड कर रहे हो तो ये सोच के हम नहीं करेंगे कि 20 लाख हम अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो पता नहीं उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस मेक में भी लॉस मेक में जाएगा उससे आपको गेन भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है तो इंटरप्रेनियर्स का ये भी एक रिस्क टेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके अंदर एंड डी क्या है मैनेजमेंट मैनेजमेंट मीन द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस मैनेज करना है कैसे करना है डिपार्टमेंट्स को मैनेज कैसे करना है बिजनेस को सो अकॉर्डिंग टू जोसेफ्स पीटर प्रॉफिट इज इज द रिवॉर्ड फॉर इनोवेशन द करेक्ट ऑप्शन इज ए इनोवेशन अपग्रेडेशन ऑफ न्यू आइडियाज टेक्नोलॉजीज क्रिएटिव थिंकिंग्स ठीक है चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है आई होप आप लोगों को आज का सेशन हमारा अच्छा लगेगा इन ज़रूर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे उतना हमें इंक्रेजमेंट मिलता है इन मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने में ओके एंड मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि हमारा जो सैटरडे का जो क्लास रहेगी सैटरडे का जो क्लास रहेगी उस पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली दैट इज बजट 2022-21 बजट सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं है, जो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है ओके okay? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तो उस दिन प्लीज डू कम ऑन दिस ऑन दैट सेशन ओके देखिए सेशन को अच्छे से और मतलब प्रेजेंट में जो हुआ है वो डिस्कशन होने वाला है ऑन प्रेजेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ओके सो चलो आई होप आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगे अच्छा लगेगा इंशाल्लाह चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय टेक केयर